नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज प्रदेश भर में मिले कोरोना के 1916 नए मरीज, वहीं 12 मरीजों की मौत और 653 मरीजों की डिस्चार्ज हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,811 हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की आर्थिक नीतियों से पूरा देश में हो रहा लाभान्वित। संसदीय सचिव श्री इंद्र शाह मंडावी ने कंदाड़ी में किया संकुल स्तरीय डिजिटल स्कूल का उद्घाटन। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आयोजन 23 सितंबर को, ई लोक अदालत अब 29 सितंबर को, आपदा पीड़ितों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। प्रदेश भर में अब तक 1,065.3 मिलीमीटर औसत दर्ज किया गया वर्षा। पंखाजूर तहसील के प्रत्येक पटवारी हल्का में गिरदवारी का सत्यापन करने के दिए निर्देश। कवर्धा शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की शुरू। मिशन कंपाउंडर ग्राउंड में लगने लगी स्थायी सब्जी बाजार। दंतेवाड़ा नीति आयोग ने जारी किया आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य एवं पोषण की डेटा सूची। दंतेवाड़ा ने बनाई शीर्ष स्थान। दंतेवाड़ा एक्वेरियम पर समूह का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। रंग बिरंगी मछलियों से भरे एक्वेरियम सवारेगी महिलाओं का जीवन। दंतेवाड़ा NMDC बचेली एवं कुर्दूल परियोजना क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा की अनुमति नहीं। रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कहा लंबित कार्यों की पूर्णता पर ध्यान दे निर्माण एजेंसी। रायगढ़ गोधन न्याय योजना संचालन के लिए बनाए गए ऐप, विक्रेता भी देख सकेंगे बेचे गए गोबर की मात्रा व उनके भुगतान की जानकारी। कांके गिरदवारी के खेतों में पहुंचे प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर। बीजापुर बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में तृतीय चरण के तहत 7 सितंबर तक होगी प्रवेश प्रक्रिया। बेमेतरा पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत समुदाय के सहयोग से संचालित मोहल्ला स्कूल बेमेतरा शिवलाल राठी उत्कृष्ट विद्यालय में दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के सभी लैंपसों में खाद्य का पर्याप्त भंडारण। सहकारी समिति से यूरिया का उठाव करे किसान। उत्तर बस्तर कांकेर कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंतिम संस्कार हेतु हुई समाज प्रमुखों की बैठक। जिस गांव का निवासी उसी गांव में होगा अंतिम संस्कार। मुंगेली जिले के गिरदवाली का कार्य अब तक मात्र 50% पूर्ण। कलेक्टर ने व्यक्त की नाराजगी। गिरदवाली का कार्य हर हाल में 20 सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। गरियाबंद गिरदवारी करने कलेक्टर से डेहरे पहुंचे छुरा। गरियाबंद जिले में औसत 1027 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। गरियाबंद 23-30 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आयोजन होगा। कोंडा गांव गिरदवारी कार्य में प्रगति लाने की समीक्षा बैठक की गई। सूरजपुर बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजन किया गया नेत्रदान पखवाड़ा। सूरजपुर कलेक्टर श्री रणवीर शर्मा ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक। सरगुजा कोरोना वायरस पाए गए व्यक्तियों वाले क्षेत्रों में की गई कंटेनमेंट जोन घोषित। सूरजपुर 14 दिवस के अवधि पूर्ण हो चुके कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया गया मुक्त। अंबिकापुर प्रभारी सचिव ने असरा और रकबे का मिलान कर गिरदवारी का निरीक्षण किया। सरगुजा जिले में अब तक 745.8 मिलीमीटर औसत दर्ज किया गया वर्षा। अंबिकापुर 5 सितंबर को पहुंचे यूरिया की एक और रैंक। बलौदा बाजार पशुओं को लंपी स्किन बीमारी से बचाने की सलाह। पशुपालक पशुओं की लंपी स्किन रोग दिखाई देने पर पशु चिकित्सा अधिकारी से करें तत्काल संपर्क। रायगढ़ आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत इच्छुक विद्यार्थी आदिवासी विकास कार्यालय रायगढ़ में कर सकते हैं आवेदन जमा। गरियाबंद सर्पदंश से मृत्यु के एक प्रकरण में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। बीजापुर बस्तर विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालय में प्रथम चरण के तहत 5 सितंबर तक होगी प्रवेश प्रक्रिया। रायगढ़ सस्ते एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत मिली छूट। मुंगेली जिले में गिरदवाली का कार्य अब तक 50% पूर्ण। कलेक्टर ने व्यक्त की गई नाराजगी। गिरदवाली का कार्य हर हाल में 20 सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश।